हेलो गाइस, वेलकम ऑन द चैनल आईटी लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा ट्यूटोरियल एडोब ऑटोकैड सीरीज के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी एनिमेशन का जो फॉर्मेट होता है हमारे पास MP4 या AVI, वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं आउटपुट्स में। तो फर्स्ट आपको अपनी जो भी है आप उसको ओपन करेंगे। आप मैं इसकी पिछली कॉम को कैंसिल करता हूँ, ये है हमारे पास लेटेस्ट। तो हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे आउटपुट मॉड्यूल। हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो आए MP4 में, तो सिंपली यहाँ से हम AVI को चेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे H.264। हाँ, वो यहाँ से ऑडियो आउटपुट करेंगे एंड ओके। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको अपने आउटपुट का नाम कैसे चेंज करें या उसकी लोकेशन को चेंज कैसे करें, तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप एंड यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं, कोई भी जो भी आप देना चाहें। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नोमी एंड सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट। मैं इसको वीडियो में करूँगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मैं बस शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसको रेंडरिंग करें सकते हैं। सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, क्या हम किसी भी आउटपुट को MP4 में कैसे कन्वर्ट करके आउटपुट लेंगे एडोब ऑटोकैड से। सो द थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल आईटी लर्निंग पॉइंट। खुदा हाफिज़।